नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे जैसे कि इज़राइल के बारे में। बहुत कम लोग जानते थे पहले, इज़राइल का वीज़ा बहुत पहले कम निकलता था। अब जैसे सऊदी दुबई आदमी जाता है काम करने के लिए, वैसे ही इज़राइल एक कंट्री और हो गया। और इज़राइल में फ़ायदा क्या है और गल्फ में फ़ायदा क्या था, आज की इस वीडियो में आप लोग को डिस्कस पूरा क्लियर समझाएँगे, ताकि आप लोग को डिफरेंट क्या है क्या नहीं उसमें सब कुछ पता चले आप लोग। देखिए दोस्तों, इज़राइल के बारे में बहुत लोग कम जानते थे। इज़राइल कंट्री तो था लेकिन इज़राइल का वीज़ा नहीं निकला। इज़राइल में हमास के लोग काफ़ी आकर के काम करते थे, अफगानिस्तान यानी कि बाहर कंट्री के लोग काम कर। जब वहाँ पे लड़ाइयाँ हुआ तो काफ़ी सारे लोग वहाँ से खाली कर दिए, वहाँ से चले गए वो सभी भाई। वहाँ से जब चले गए उसके बाद से इज़राइल कंट्री भारत इंडिया की तरफ रुख, मोदी से भी रिक्वेस्ट की, बात की, और इन्होंने भी ये देखा कि हमारे इंडिया में जो है काफ़ी बेरोज़गार आदमी हैं। और ये चीज़ आप उन लोगों को पता होगा स्पष्टली, क्योंकि MBA BTEC किए हुए आदमी को भी 10,000 रुपये भी नौकरी नहीं, कहीं प्राइवेट में काम करने और गुजारा चलाना होता है। तो मैं बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा थी, इसलिए भारत सरकार ने भी ये अच्छी बात की कि चलिए अच्छी सैलरी है तो इसमें उन्होंने एग्रीमेंट की। अब दोस्तों आप लोगों को डिफरेंटेट ये है कि जैसे दुबई, सऊदी, ओमान, बहरीन, कतर आदमी जाता था काम करने के लिए, वैसे इज़राइल में भी है। इज़राइल में भी आदमी अब जाएगा काम करने के लिए वहाँ पे। और जैसे वहाँ यहाँ पर भी काम, जैसे यहाँ पे काम करते थे जैसे दुबई सऊदी ओमान, वैसे वहाँ पर भी अपनी काम करेगा, बनाएगा, प्रोजेक्ट चलेगा, ब्रिज का चलेगा, बिल्डिंग का चलेगा, ठीक है। तो डिफरेंटेट क्या है सब कुछ आप लोगों को बताएंगे। जैसे सऊदी दुबई में आप लोगों को देखने को मिलता है हर काम, जैसे कानून वैसे ही सेम वहाँ पर भी 3 राउंड का वार्निंग आता है, किसी से आपने लड़ाई किया, किसी से आपने, या फिर जैसे सिस्टम यहाँ पे गल्फ में है वैसे सिस्टम आपको इज़राइल में देखने को मिलेंगे। तो ये अच्छी बात दोस्तों यह है कि सभी भाई, अब जो भी भाई अच्छे काम करना चाहते हैं, ठीक है, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। दोस्तों सबसे खास बात जो बतानी थी ये बतानी थी कि आप लोगों को जो काम हम लोग खुद किए हैं, यानी कि हम लोग जो काम पहले किए हैं अपने भारतवासी, जो भी काम सऊदी दुबई में काम किए हैं, ठीक है, वही काम सेम इज़राइल में आप लोगों को करना है। बिल्डिंग का काम करना है, स्टील फिटर का काम, सेटरिंग का काम, ठीक है, मेसन का काम, टाइल्स ढोने का काम, जो भी मजदूरी टाइप में जो काम होते हैं, ठीक है, या खेती बाड़ी में काम करते हैं तो मजरा का काम, या आप कोई भी काम, एक दुकान का काम होता है, बेकरी का जॉब निकलता है, सुपरमार्केट में काम होता है, जितना काम आप दुबई में किए हैं, यानी कि मेरे ख्याल से लगता है कि सभी भारतवासी ज़्यादा से ज़्यादा दुबई में रह चुके हैं, रिटर्न हो चुके हैं, क्योंकि दुबई इजली वीज़ा निकलता है। तो जैसे जैसे आप लोग यहाँ पर काम किए हैं गल्फ में, वैसे सेम वहाँ पर काम होगा, और वहाँ पर जैसे इज़राइल में भी होगा। तो इसमें डिफरेंटेड यह है दोस्तों कि यहाँ पे 30,000 से कम में भी सैलरी में आदमी काम किया है, और वही सेम काम सेम मेहनत, ठीक है, उससे ज़्यादा मेहनत नहीं होगा, उससे कम ही मेहनत रहेगा, उससे ज़्यादा सैलरी आपको मिलेगा। तो यहाँ पे जो 30,000 में काम करना पड़ता था, 30,000 में भी बहुत कंपनी में, दुबई में बहुत ऐसे कंपनी में कम से कम सैलरी में और 3-4 महीने की सैलरी नहीं मिलती, ठीक है, लेकिन इज़राइल में आप लोग रहते हैं तो हर महीने की सैलरी आपको मिलती है, वो भी लाखों में। तो डिफरेंट ये है, ठीक है, मेहनत तो सेम है, मेहनत भले सेम है, मान के चलिए कि चलिए सेम है, यहाँ पर भी जो काम है वहाँ पर भी वही है, या उससे अगर थोड़ा ज़्यादा भी हो, ज़्यादा क्या रहेगा, यहाँ पर भी आपको जैसे स्लैब करवाना है तो स्टील ऊपर ढोवाना है, ठीक है, और मेसन का काम करना है तो टाइल्स ढोना है, मेसन में जो प्लास्टरा यहाँ ऐसे होता है वहाँ पर भी वैसे होते हैं, ठीक है, बिल्डिंग बनाने में जो मेहनत यहाँ पे लगते हैं वहाँ पर भी वही मेहनत लग रह गया। दूसरी चीज़ ये कि आपको सैलरी अच्छी मिलती है इज़राइल में, जो कि गल्फ में दुबई उबई में कम 30,000 में जो सैलरी मिलती है वहाँ के, जो जैसे इज़राइल में ओवर टाइम पे जो 30,000 से लेकर के 50,000 तक हो जाता है, वहाँ के ओवर टाइम के इतना सैलरी में यहाँ इज़राइल दुबई में सऊदी में काम करना होता था, जबकि इज़राइल में आप लोग काम करते हैं तो ज़्यादा सैलरी मिलता है।
तो डिफरेंट ये बहुत डिफरेंट यही है कानून के तौर में। तो दोस्तों इसराइल में कानून के तौर में भी सेम कंडीशन है, आप लोग को वार्निंग मिलेगा, इंडिया एम्बेसी है वहाँ पे, ठीक है। और आप लोग जैसे यहाँ पे दुबई में जैसे उल्टपटांग काम जैसे मोबाइल कंपनी छोड़ कर जाना या और भी जो भी काम करना हो उसी प्रकार से वहाँ पर भी अगर आने जाने के लिए भी हो तो आपको दुबई से जितना प्रॉब्लम होता था आने के लिए उतना प्रॉब्लम इसराइल से नहीं होगा। इसराइल से आने जाने के लिए इजली है और कोई कंपनी आपको ज़बरदस्ती नहीं, मतलब यहाँ से कुछ ज़्यादा ही मतलब हार्ड कानून और फॉलो करने वाला कानून इसराइल में है। तो इसराइल में आप लोगों को ये देखने को मिलेगा कि कानून के तौर में भी सेम कंडीशन रहेगा। मान लीजिए आप लोग को अगर आना है तो आप लोग को अप्लीकेशन डालना होगा, ठीक है। लेकिन दुबई में क्या होता था कि अप्लीकेशन डालने के बावजूद भी बोलने के बावजूद भी आदमी नहीं आने देता, ज़बरदस्ती काम कराता था। सऊदी में भी तो ओमान में भी कतर, तो ऐसा वहाँ पे सिस्टम नहीं है। वहाँ पे अगर आप नहीं आने चाहे तो आ सकता है, ठीक है। यहाँ से जाना चाहे काम करना चाहे तो वहाँ पे क्या है कि यहाँ से आदमी जाएगा काम करने के लिए तो एक सीधा सीधा हिसाब से आदमी जाए काम करने के लिए तो यहाँ से अपना जाए कंपनी में, कंपनी से अपना काम से मतलब रखे और किसी के साथ बात करना हो तो ज़रूरत से बात करे। और वहाँ पे जो भी फॉर्मर इंजीनियर, तो जैसे दुबई सऊदी में ओमान में हिंदी वाले फॉरमैन मिलते हैं या फिर जो भी वहाँ के फॉरमैन रहते हैं, तो कोई तुर्की का रहता है कोई पाकिस्तानी रहता है तो उनको हिंदी पता होता है। लेकिन काफ़ी सारे भाइयों को ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है कि वहाँ पे हिंदी नहीं बोला जाता है, वहाँ पे इंग्लिश बोला जाता है। वहाँ के कोई लोकल फॉरमैन रहते हैं, लोकल इंजीनियर रहते हैं, उनको बात करने में दिक्कत होता है। तो वैसे ही जितना काम है आदमी को जितना से चलने वाला हो उतना से आदमी चला सकता है, काम कर सकता है। एक सीधा अपना टारगेट रखे कि हमें वहाँ पे काम करना है, 2 साल रहना है और हमें अपने काम से ही मतलब है, तो काम से रूम पे आना, रूम पे से काम पे जाना, बस इतना ही से मतलब होना चाहिए। किसी और के साथ कोई काम क्या कर रहा है, कोई बाहर काम कर रहा है, कोई भाग रहा है, कोई वापिस आ रहा है, तो किसी और को देख करके काम नहीं करना है, जैसे अपने आप को टारगेट करके चलना है कि हमें क्या करना है। कम से कम मैक्सिमम आदमी गया है तो कम से कम 2 साल भी रहेगा तो उसको आगे रहना है कि या नहीं रहना है, रह सकते हैं नहीं रह सकते हैं इस बारे में पता चलेगा। अब आदमी गया है तुरंत 2 महीने में अगर परेशान होकर के वापस आता है तो उसको आगे के बारे में कुछ पता नहीं चल सकेगा, ठीक है। तो आप लोगों को यही संदेश देना था कि गल्फ में और इसराइल में क्या डिफरेंट है। तो सेम वही है जो कानून यहाँ पर है वहाँ पर है, और यहाँ से थोड़ा ज़्यादा ही कानून वहाँ पे फॉलो करने वाला मिलेगा, आप लोग देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, काम करने के सिलसिले में जाइए, ठीक है। घूमने के भी सिलसिले में बहुत भाई दुबई जाते हैं और वहाँ पे जाके फंसते हैं, रोते हैं, तो ऐसा नहीं है, आदमी मेहनत करेगा आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किस नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के अपना राय कमेंट करिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, वंदे मातरम।